हेलो राधे राधे आप सभी को, और राधा रानी की कृपा आप सब पे बनी होगी और लड्डू गोपाल की सेवा आप करते होंगे अपने घर पर और बच्चों को भी सिखाते होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक और भक्त की कहानी लेकर, मतलब एक कहानी नहीं है, सत्य घटना है वृंदावन की। तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटी वीडियो बनाऊंगी। और ये कहानी अगर हो सकेगा तो, अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो मैं दो पार्ट में, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी वीडियो नहीं करूंगी वरना बहुत लंबी जाएगी, तो आधी ही सुनाती हूँ। अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो दोबारा फिर दूसरा पार्ट हम इसका लेकर आएंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग कथा को शुरू करते हैं। तो ये वृंदावन की कथा है, वो भी सत्य, एक भक्त के साथ हुई है ये घटना, ठीक है। और मैंने आज पर्दे धुले थे तो आज छत पे पर्दे टंगे हुए हैं, तो मैं सोच चलो पीछे का बैकग्राउंड भी हो जाएगा, वरना लुक कैसा आता, पीछे की हरियाली वगैरह आती, पेड़ पौधे आते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वृंदावन में एक भक्त थी, उनका नाम था कांताबाई। वृंदावन में एक भक्त थी, उनका नाम था कांता बाई। एक दिन वो बिहारी जी के दर्शन करके लौट रही थी, तो उन्होंने क्या देखा कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा बहुत प्यारी लग रही है। तो उन्हें एक जगह लड्डू गोपाल की प्रतिमा दिखी तो उन्होंने सोचा कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा कितनी मनमोहक है, कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी लग रही है, क्यों ना मैं इसे ले लूं। और वो सोचने लगी, वो सोचती हैं कि मैं इसे ले लूं। और इनके ऐसा सोचते ही वो प्रतिमा उन्होंने ले ली, कान्हा की कृपा से उन्होंने वो प्रतिमा ले ली और वो घर ले आई। घर लेकर गई अपने, कांताबाई के एक बेटी थी, कांताबाई की एक बेटी भी थी जो कि उसकी शादी हो चुकी थी पास ही के गांव में। और कांताबाई घर में अकेली रहती थी। अब कांताबाई पहले तो अकेली रहती थी बेटी के ससुराल जाने से पहले, ससुराल जाने के बाद, लेकिन अब कांताबाई तब से अकेले रह रही थी, जब से लड्डू गोपाल उनकी ज़िंदगी में आए तो अब वो अकेले नहीं रहीं, दो सदस्य हो गए उनके घर में, एक तो कांताबाई और एक प्यारे से नटखट से हमारे लड्डू गोपाल हो गए कांताबाई के। और वो अपने लड्डू गोपाल को बहुत प्यार से नहलाती धुलाती सुलाती, खाना खिलाती, गोदी में उठाती, टहलाती, इधर उधर टहलाती और दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन की बात है, कांताबाई अपने लाला को भोग लगाने लगी। भोग लगाने के बाद और प्यार करने के बाद विश्राम करवा दिया, मतलब खाना खिला के उनको भोग करा के फिर उनको विश्राम करा दिया कि लाला अब इतनी देर विश्राम कर लेगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब लाला विश्राम कर रहा है तो थोड़ी देर मैं भी विश्राम कर लेती हूँ। तो लाला का कक्ष थोड़ा पीछे था और मैया थोड़ा, मतलब कांताबाई थोड़ा आगे रूम में गई, अपने लेट गई, या कहीं वही बरामदे वगैरह में जाकर लेट गई। जब कांताबाई विश्राम करने लगी, थोड़ा उनकी आँख लग गई ही थी तभी जोर जोर से आवाज़ आती है हिचकियाँ की, कि हिचकी आ रही है। तो उन्होंने तुरंत उठ के देखा कि किसके हिचकी आ रही है, तो बहुत बेचैन होगी, इतनी बेचैन होगी वो दौड़ दौड़ कर इधर उधर देखने लगी कि कौन, कोई आया तो नहीं है हमारे घर। लेकिन जब वो लल्ला के, जब उनको याद आया लल्ला पीछे हमारा अकेले रह गया है, तब दौड़ के गई लल्ला के पास गई और लल्ला को हिचकी बहुत तेज़ तेज़ से आ रही थी, उसी कमरे से आवाज़ आ रही थी लल्ला जहाँ लेटा हुआ था विश्राम कर रहा था। तो उन्होंने लल्ला से पूछा, लल्ला तुम मुझे याद कर रहे थे? तो लल्ला को फिर वो पूछ कर उन्होंने उठा के बैठाया लल्ला को। तो लल्ला बोला
कि मैया मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैं तुझको याद कर रहा था। बड़े प्यार से, छोटी आवाज़ से, पतले होठों से लल्ला बोल रहा है, मैया मुझे डर लग रहा था इसीलिए मैं तुमको याद कर रहा था। तो कांताबाई तुरंत माफ़ी मांगने लगी अपने लाला से कि लाला गलती हो गई, अब मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी, तुमको मैं अकेले कभी नहीं लिटाऊंगी, मैं अपने साथ तुमको कभी दूर अपने से नहीं होने दूंगी। तो कहने लगी चलो लाला अब हमारे साथ चलो, आगे बैठते हैं और राधे राधे नाम का जाप करते हैं। तो राधे राधे आप सभी को, इसके आगे स्टोरी और है, लेकिन अगर आपको ये इतनी ही पसंद आई हो तो आप बताइएगा, तो मैं और दूसरा पार्ट बनाऊंगी। तो आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे ही करते रहिए और अपने बच्चों को भी सिखाएँ, ठीक है। राधे राधे आप सभी को।